हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। दोस्तों, फाइनली आरआरबी तिरुवनंतपुरम की तरफ से आरआरबी जेई सीबी टू वन का रिजल्ट जारी कर दिया है। दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी जेई सीबी टू टू का भी एग्ज़ाम डेट घोषित कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे टोटल कितना कैंडिडेट को बुलाया है सीबी टू टू के लिए आरआरबी तिरुवनंतपुरम से, साथ ही साथ कितना गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया है, सब कुछ यहाँ पे डिटेल से बताएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम डेट है वो भी घोषित कर दिया गया है। आपका सीबीटी टू जो एग्ज़ाम होगा 28 से लेके 31 यहाँ पे अगस्त तक आपका यहाँ पे सीबीटी टू का एग्ज़ाम होगा। जैसे कि दोस्तों, काफ़ी सारा कैंडिडेट ने यहाँ पे मांग कर रहा था सीबीटी टू का एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड करने के लिए, लेकिन दोस्तों सीबीटी टू का एग्ज़ाम डेट यहाँ पे एक्सटेंड नहीं किया गया है। सीबीटी टू का जो एग्ज़ाम है दोस्तों, सीबीटी टू का एग्ज़ाम आपका 28 से लेके 31 तारीख को रखा गया है। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आरआरबी तिरुवनंतपुरम के ऑफिशियल वेबसाइट में हूँ। जैसे आप इस लिंक पर, सबसे ऊपर वाला लिंक पर अब देख सकते हैं, यहाँ पे रिजल्ट ऑफ फर्स्ट स्टेज सीबी टू वन वेरियस पोस्ट, इस पर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। चलिए, मैं इस पीडीएफ को डाउनलोड कर चुका हूँ, उसको मैं ओपन करके आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये है वो पीडीएफ जो आरआरबी तिरुवनंतपुरम की तरफ से यहाँ पे रिजल्ट जारी किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली मेंशन कर दिया है आरआरबी जेई सीबी टू का जो एग्ज़ाम होगा वो 28 तारीख से लेके 31 तारीख तक होगा, इनके 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त 2019 तक होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं, सेकेंड स्टेज सीबीटी टू यहाँ पे एग्ज़ाम आपका 28 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक होगा। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे टोटल जो कैंडिडेट को बुलाया गया है, यहाँ पे टोटल कैंडिडेट का हम आपको बता देते हैं। आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, टोटल 2000 कैंडिडेट को बुलाया गया है। यहाँ पे अगर हम बात करें टोटल जो वैकेंसी था दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी तिरुवनंतपुरम में टोटल आपका वैकेंसी था 137 वैकेंसी था, 137 वैकेंसी था। तो यहाँ पे लगभग देखा जाए तो 14 पॉइंट समथिंग, यानी कि 14.5 गुना कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है आपका आरआरबी जेई सीबी टू एग्ज़ाम के लिए। अप्रॉक्स यहाँ पे देखा जाए तो 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। जैसे कि आरआरबी ने पहले बताया था कि 15 गुना कैंडिडेट को जो सीबी टू के लिए बुलाया जाएगा हर एक आरआरबी से, तो यहाँ पे दोस्तों अप्रॉक्स 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया गया है सीबी टू के लिए। उसके साथ साथ दोस्तों, यहाँ पे सभी कैटेगरी वाइज जो काट ऑफ यहाँ पे आप देख सकते हैं, काट ऑफ काफ़ी हाई गया है। यूआर का आप देख सकते हैं, जो भी आपका यहाँ पे कैटेगरी नंबर होता है उसी के हिसाब से यहाँ पे काट ऑफ गया है, आप इसको चेक कर सकते हो। दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं, अपडेट डेट भी दी गई है, सब कुछ यहाँ पे क्लियर कर दिया है, कितना काट ऑफ गया है एससी एसटी ओबीसी यूआर का, और यहाँ पे कितना कैंडिडेट कितना गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है वो भी मैं आपको बता दिया हूँ। अप्रॉक्स 14 पॉइंट समथिंग कैंडिडेट को बुलाया गया है, 14.95 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया है सीबी टू के लिए। तो यहाँ पे जिन सभी कैंडिडेट ने सिलेक्टेड हुआ है, उन सभी कैंडिडेट के पास बहुत कम टाइम बचा हुआ है अब सीबी टू की तैयारी के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आरआरबी ने कैंडिडेट ने काफ़ी सारा मेल किया था, ट्वीट किया था सीबी टू के एग्जाम डेट को एक्शन के लिए, लेकिन आरआरबी ने फाइनली यहाँ पे डेट घोषित कर दिया, 28 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी अपडेट आया था मैंने आपको बता दिया हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ, अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।